करिश्मा सिंह, आप ये पकड़िए। अब हम ये मानकर चलते हैं कि हसीना मलिक की कैंडल करिश्मा सिंह के हाथ में है और करिश्मा सिंह की कैंडल हसीना मलिक के हाथ में है। अब आप दोनों को बिना मुड़े, बिना एक दूसरे की तरफ देखे अपनी अपनी कैंडल्स बुझानी है। सॉरी मैडम सर। सॉरी करिश्मा सिंह, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो रहा है अनु भैया, अनु सर। हाँ सर, ये नहीं हो सकता। एक और बार प्रयास करके तो देखिए। करिश्मा सिंह, आप हमारी कैंडल बुझा दीजिए और आप हमारी। तो आप इसका तात्पर्य समझ गई होंगी। कार्य कितना भी असंभव हो, अपने साथी की मदद से उसे संभव कर लेना चाहिए। महत्वपूर्ण है टीम की अहमियत और उसे सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल करना। हमें लगता है कि अगर मलाइका करिश्मा सिंह की बात नहीं मान रही है तो मलाइका को मनाने का प्रयास आपको करना चाहिए हसीना मलिक। You're right, sir. करिश्मा सिंह, मलाइका को हम मनाएंगे और जब तक वो नहीं मानेगी हम आपको कोई नया ऑर्डर नहीं देंगे। चलते हैं सर। सर, एक बात जरूर कहना चाहेंगे, आप अपनी माताजी को लेकर जितने डेडिकेटेड हैं, उनसे जितना प्यार करते हैं, सच में ऐसा बेटा मिलना बहुत नसीब की बात है। हसीना जी, हम केवल एक अच्छा बेटा ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन हमसफर भी बन सकते हैं। कोई मौका तो दे। जाइए और मामले की जांच कीजिए। जय हिंद सर। जय हिंद। सर, आपने बुलाया? जी सर, को ठंडा पानी का जरूरत है। चले जी। चिता भाई, ए चिता भाई, तुम जिंदगी में यार करना क्या चाहते हो? शादी। मतलब बनना क्या चाहते हो? दूल्हा। गया 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 गया, एक और इश्क की राह में कुर्बान। इसको उस दुनिया से, हकीकत की दुनिया में लाने के लिए बस एक ही तरीका है। क्या? अपनी चाय पिला। अरे ये लो बदनाम स्पेशल, प्योर मूड फ्रेश कीजिए। बच गए तुम, बच गए तुम बदनाम, तुम बच गए भाई। अगर तुमको पता है, अगर शाहजहां के जमाने में तुम होते ना, और गलती से भी शाहजहां ने तुम्हारे हाथ का ये चाय पी लिया होता ना, तो सबसे पहले शाहजहां तुम्हारा हाथ कटवाते। क्या तुमको पता है, नाला के पानी में सड़ा हुआ प्याज टमाटर और मूली 10 दिन रखने के बाद से जो मिश्रण तैयार होता है ना, वो भी तुम्हारे चाय से ज्यादा स्वादिष्ट होता है। कौन सा पानी बोला इसने? कौन सा मिश्रण? नाले वाला ना? नेक्स्ट टाइम इसको यही पिलाएगा गारंटी के साथ। गारंटी के साथ क्या हुआ? संतु जी, संतु जी, क्या बताएं, क्या चाय लाऊं? नहीं, बस यही हुआ है मेरे साथ, इसका चाय का बवाल है। खैर, आप कहां इतना उदास है संतु जी? गुड मॉर्निंग तो बोले थे हम आपको आज सुबह में। यही चीते करिश्मा मैडम और हसीना मैडम का जो प्रॉब्लम चल रहा है ना, वो कि दोनों इतना लड़ते हैं कि मुझे समझ ही नहीं आता कि इनका झगड़ा कभी बंद होगा भी या नहीं। झगड़ते वो है, टेंशन यहाँ पे मुझे हो जाती है। आपको पता है, वैसे थाना में वो जो हो रहा है ना अभी, करिश्मा मैडम और हसीना मैडम के बीच में जो तना तनी चल रहा है ना, ये बात जो है ना, ये थाना से बाहर नहीं जाना चाहिए। क्या है कि थाना का बात थाना में रहे तो ही बेहतर है। ओ नो। क्या हुआ? वो मैंने बता दी ये बात। कि किसको? सनी को। संतु जी, अरे कैसे कैसे वो चंडाल के जंजाल में बार बार फंस जाती हैं आप संतु जी? अरे पत्रकार है वो, खबर के लिए किसी का कब्र भी खोद सकता है वो। तो क्या हुआ, किसका मैसेज है संतु जी? करिश्मा मैडम का बुलाया है। संतु जी, संतु जी,
यस मैडम। बाप रे। पढ़ो इसको, पढ़ो। देश भर के कई इलाकों में बिन मौसम मूसलाधार बारिश, लड़कियों का मेकअप धुलने से 14 लड़कों को हार्ट अटैक। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है, ये इधर है। फिर से महिला पुलिस अफसरों के बीच कैट फाइट। महिला पुलिस थाना की सीनियर ऑफिसर करिश्मा सिंह और हसीना मलिक के बीच फिर से लड़ाई हुई। कार्टून भी छपा है इसमें, करिश्मा मैडम कितनी अच्छी लग रही है। नहीं नहीं सॉरी सॉरी, कार्टून में कोई थोड़ी अच्छा लगता है, तो ऐसे ही बोल रहे थे। किसका हिम्मत? हाँ? तुम दोनों में से किसका हिम्मत हुआ ये बात बताने का जो अखबार तक छप गया है? किसने पहुंचाई ये बात सनी चड्डा तक? ये थाने तक बाहर कैसे गई ये बात? हमने किया मैडम। हमारा गलती है ये मैडम। तुम किए हो ये चीता? हाँ मैडम, हाँ मैडम, हम ही है वो भीषण जो सनिया के सामने जाकर मुंह फाड़ दिए। हम हमसे गलती हो गया। तुम्हारी तो मैडम, मैडम एक मिनट, मैडम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं। संतोष जी पता, अरे मैडम लेकिन आपको हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि दोबारा से हमसे ये गलती नहीं होगा। और मैडम एक बात और, एक बात और, ये जो गलती हुआ है ना मैडम, इसके लिए आप हमको जो भी सजा दे हमको सहर से स्वीकार है। सॉरी, आई एम सॉरी। चार बार लिखो कि ये गलती तुम दोबारा नहीं दोहराओगे। वाह मैडम, मतलब वाह मैडम वाह, जितना बड़ा आपका भौकाल है ना मैडम, उससे भी ज्यादा बड़ा आपका दिल है मैडम। इतना बड़ा गलती का इतना छोटा सा सजा, चार बार तो हम ऐसे ही लिख देंगे। हजार? एक्सक्यूज मी, क्या हजार संतु जी, क्या हजार? चार हजार बार लिखना है। नहीं, नहीं, नहीं ना संतु जी, ऐसा थोड़ी बोली है मैडम, चार हजार बार नहीं। ये तो मैडम है इतनी अच्छी कि 4000 बार बोला है, वरना तूने जो किया ना 4 लाख बोलती है। 4 लाख मैडम, 4000 नहीं, 4 लाख। 4000 मैडम, ठीक है 5000 पे डील फाइनल मैडम। संतु जी प्लीज 4 लाख मत बोलिएगा दोबारा। संतु हाँ, जिस अखबार में आरती मेड एजेंसी का जो एड आया था, पता करो उस दफ्तर में कॉल करके कि कोई बंदा आया था क्या वो एड लेकर। अगर कोई बंदा आया तो सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ, स्पॉट करो उस बंदे को और मैडम सर को रिपोर्ट करो, समझ गए? ओके मैडम, तुम लिखो। हाँ मैम, लिख 5000। ऐसे नहीं करना चाहिए था संतु जी। चलो चलो जल्दी, अरे ये सूटकेस उठा के अंदर रख दो रिक्शा में। अरे सूटकेस उठा रहे हो या डोली? अरे मलाइका जी, मलाइका जी, अरे जल्दी उठाओ, डालो डालो अंदर। मलाइका जी रुको रुको रुको, चलो। अरे हसीना मैडम, जय हिंद। लगता है आपकी फिर जीप खराब हो गई क्या? आइए आपको कहीं छोड़ देता हूँ। नहीं हमारी गाड़ी ठीक है, आप सूटकेस रखिए, हमें जरा बात करनी है। हाँ बताइए ना मैडम, क्या बात करनी है? मलाइका जी हमारी बात सुनिए। देखिए हम जानते हैं कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, लेकिन इसमें करिश्मा सिंह की कोई गलती नहीं है। वो ऐसा कभी नहीं करना चाहती थी, ये सब हमारी वजह से हुआ है। हमने उन्हें कहा था ऐसा करने के लिए। आपने? हे भगवान, ऑटो पे रहम करो। आपने कहां सो कहां, करिश्मा दीदी मान कैसी गई आपकी बात? देखिए मलाइका, हम ये सब एक केस के लिए कर रहे हैं। सुना होगा अभी वो काम वाली बाई का जो फ्रॉड केस चल रहा है लखनऊ में। हाँ हाँ, वो धोखे से पैसा लेके भाग जाती है। करेक्ट, बिल्कुल सही, वही वाला केस। देखिए क्या है, हमने उस एजेंसी से एक काम वाली बाई बुलाई है, ठीक है? अब उस बाई के जरिए हम उस पूरे गैंग को पकड़ेंगे। अब समझ में आया? हाँ बिल्कुल सही समझा मैडम, क्या आइडिया है, वाह। आप सच कह रही है ना? हाँ हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सब हम केस के लिए कर रहे हैं, और करिश्मा सिंह की इसमें कोई गलती नहीं है। वो तो आपको बड़ी बहन से बढ़कर मानती है। उस घर में कोई सोच ही नहीं सकता कि आपको निकाल दिया जाए, आपके बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता वहाँ। तो एक बार ये केस सॉल्व हो जाए, हम इस गैंग को पकड़ लें कि फिर वो घर वापस आपके हवाले। अरे आप रखिए सामान। अरे आपको इतने समझाया फिर भी आप, हम आपको नहीं जाने। अरे छोड़िए। नहीं नहीं हम नहीं छोड़ेंगे। अरे हम कहाँ जा रहे हैं उन्हें छोड़कर? तो फिर ये सूटकेस खाली है। अरे लिए थे किसी से गांव जाने के लिए, अभी लौटाने जा रहे हैं। हाँ विश्वास है आपके ऊपर, करिश्मा दीदी से आपके जज्बातों की बातें सुने हैं। बिल्कुल सही कह रही है ये, हमने भी सुने मैडम आपके जज्बातों के किस्से, कि आप कहती रहती है हमारा तजुर्बा कहता है। नाराज नहीं है हम उनसे, तो इजाजत हो तो जाए। हाँ हाँ प्लीज प्लीज।
कामों का ही करिश्मा सिंह इतनी परेशान हो रही थी कि इन्हें मनाना बहुत मुश्किल होगा। ये तो आसान था। जय हिंद मैडम। जय हिंद। अरे सो ना, सो आमा, सो जा। नहीं नहीं मैडम, सॉरी मैडम, बोलिए सॉरी। वैसे मैडम आप इतनी खुश नजर आ रही है, बात क्या है? अच्छा ठीक है, मैं गैस करती हूँ। करो गैस करो। परसों जो मार्केट में हमने साथ में सूट लिया था उसका मैचिंग का दुपट्टा मिल गया होगा। पुष्पा जी कुछ और दिनों के लिए नहीं आ रही है। खुशी का बात है लेकिन ये खुशी नहीं है। फिर और क्या वजह हो सकती है आपकी खुश होने की? संतोष जी संतोष जी, अभी थाना में करंट मैटर कौन सा चल रहा है, काम वाली का है? तो हमको क्या लगता है ना कि मैडम जो काम वाली हायर की थी ना, उसका दूसरा दिन हो गया है तो आज वो भाग गई होगी, और उसके भागते ही मलिका के वापस आने का रास्ता जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया, इसीलिए मैडम खुश है। कुछ नहीं, भागी भागी है मैडम, सर का प्लान फ्लॉप हो गया, एकदम जजमेंट ही खराब था उनका। क्या बात कर रही हो मैडम, और काम वाली नहीं भागी तो कहां इतना खुश है आप? देखो सीता, बात क्या है, मैडम सर ने हमको कहा था बाई हायर करने का, तब हमसे बोला गया था कि अगर मलाइका घर से भाग जाती है तो ये पूरा जिम्मेदारी उठाएंगी मैडम सर। अब तो अनुभया ने भी आदेश दे दिया कि मलाइका का घर तक आने का जिम्मेदारी मैडम सर का होगा। हा? अब असल में आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, अब उनको पता चलेगा कि कितना मुश्किल काम है मलाइका को मना कर इस घर में वापस लाना। वैसे मैडम आपने कहा था ना आरती मेड एजेंसी का पता करने के लिए कि ऐड करने के लिए कोई खुद आया था कि नहीं आया था। वैसे आपका अंदाजा एकदम सही था, एजेंसी से ऐड देने के लिए उन्हीं का आदमी आया था। न्यूज़पेपर ऑफिस से मैंने सीसीटीवी फुटेज मंगा ली है और उसमें उस आदमी का फोटो कैप्चर हुआ है, ये देखिए। नहीं नहीं, हमको नहीं देखना है संतू, अब इसको देख के कोई फायदा ही नहीं है ना। दिखाओ मैडम सर को, वो देखेंगी, वो संभालेंगी इस केस को। हमें पता चल गया है कि हमारा इन्वेस्टिगेशन का दिशा ही एकदम गलत था। अब वैसे भी हमारे पास इस केस के लिए समय नहीं है, हमें इससे इम्पोर्टेंट केस मिला है, हमें उसको सुलटाना है जितना जल्दी हो सकता है। कौन सा केस मैडम? आरती मेड एजेंसी ने हमें जहां पे पहली बार भेजा था ना, वहां के हमारे पहले मालिक और उनकी बीवी बहुत ही बेरहम और जालिम थे मैडम। ये जैसे लगाए ना वैसे पीठ पे है, और ये देखिए पैर पे भी है। फिर ना एक दिन मौका देखकर हम वहां से भाग निकले, किसी ने हमें सत्यमेड एजेंसी का नाम बताया, तब पता चला कि दुनिया में इंसानियत नाम की भी कोई चीज है, वरना हमारे पहले मालिक जैसे लोगों के हाथों से ना हम अभी तक पिटते रहते। तुम चलो हमारे साथ अभी बताओ। मैडम जी कोई फायदा नहीं है। काय फायदा नहीं है? अरे वो लोग तो कब के भाग गए घर छोड़ के। सब जानने के बाद से तो यही जाहिर हो रहा मैडम कि सत्यमेड एजेंसी बिल्कुल भी गलत नहीं है, गलत तो आरती मेड एजेंसी है जो भाग गया। असली मुजरिम तो ये शन्नो के पहले मालिक जैसे लोग हैं जो अपने यहाँ काम करने वालों के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। सजा तो इन्हें मिलनी चाहिए। मिलेगी संतू, सजा मिलेगी, इंसाफ होगा शन्नो के साथ। ये जो मेड स्कैम का केस चल रहा है ना, अब ये मैडम सर संभाले। हमको ये पति पत्नी हमारे यहाँ थाने में चाहिए। शन्नो आ रही है, स्केच वाले को बुलाओ, पति पत्नी का स्केच बनवाओ, अब हम भी देखते हैं कि हमारे भौकाल से कैसे बचते हैं ये पति और पत्नी। मैडम सर ये है वो सीसीटीवी फुटेज और ये है वो आदमी जो एड देने के लिए आया था। अरे वाह, इसमें तो उसका चेहरा बहुत क्लियरली दिख रहा है। गुड जॉब संतोष शर्मा। ओके, तो अब इसकी एक एक कॉपी और केस की डिटेल्स जितने भी पुलिस स्टेशन है वहां पर भिजवाओ, और उनसे कहो कि जैसे ही इस आदमी के बारे में कुछ भी पता चले हमें डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करें। क्लियर? यस मैडम। इस आदमी का मिलना बहुत जरूरी है। देखा तेरा मौसम, देखी तेरी पुरवाई, जो मिला बेवफा मिला, ए जमाने हर जाए। ये तो बिल्कुल पुष्पा जी जैसा कर रही है। ट्रेनिंग भी तो उन्हीं से मिली है ना। मलाइका क्या हो गया, इतनी परेशान क्यों? आप भी औरों की तरह निकले मैडम सर जी, आपने भी हमसे झूठ बोला। कैसा झूठ? देखा ये खुद भूल गई संतोष मैडम जी, इन्होंने कहा था कि एक दिन की बात है फिर वो नई काम वाली चली जाएगी। हाँ तो गई नहीं ना वो नागिन, पूरे घर पर डेरा जमा कर बैठी है और सबसे नागिन डांस करवा रही है वो चुड़ैल। एक सेकेंड, नागिन है कि चुड़ैल है वो क्लियर कर दो। देखो क्योंकि अगर नागिन है तो फिर वो डेरा कैसे डालेगी, और अगर चुड़ैल है तो फिर वो नागिन वाला डांस कैसे करेगी। देखो लॉजिकली ना चुड़ैल है तो फिर वो डांस ही करवाएगी कायदे से, है ना मैडम? मैं सब लॉजिक में जा रही हूँ। देखो चुड़ैल, मलाइका देखो, हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो बाई अब तक वहां टिकी हुई है। हमारे हिसाब से तो उसे एक ही दिन में भाग जाना चाहिए था, और
करिश्मा सिंह ने भी इस बारे में कुछ नहीं बताया। अब वो क्यों बताएंगी आपको, उन्हें थोड़ी ना जरूरत है मेरी। अभी हमारी जगह तो ले ली है उस चुड़ैल ने, काम वाली। गलती हमारी ही है जो हम पहले उनकी और फिर आपकी बातों में आ गए। अब नहीं आएंगे किसी की बातों में, जा रहे हैं हम। कहाँ? घर। अरे पर अभी तो कहा ना कि वहाँ पर वो नागिन है, चुड़ैल है, काम वाली है। हम अपने गांव जा रहे हैं, अपने घर। अब किसी की बातों में नहीं आएंगे। देख राम जी की। मलाइका मलाइका मलाइका। अम्मा कुछ भी कहे नहीं, मेरी डाइय ना शनो। क्या टेस्ट खाना बना दिया, मजा आ गया। हाँ ठीक है, मलाइका भी ठीक ठाक खाना बना लेती है। ये खाना तुम देख रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे 5-star होटल से सीधा डिलीवरी यहाँ हो गया है खाने का। इतना लाजवाब टेस्टी, मजा आ गया यार। क्या इशारे कर रहे हो बे? तुम तो ऐसे इशारे करो जैसे मलाइका हमारे पीछे खड़ी हो। तुम्हारे पीछे खड़ी है क्या? ऐसा मलाइका को लगेगा कि हम ना शन्नो के लिए बोलेंगे कि बहुत ही लाजवाब और टेस्टी खाना बनाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है चीते। हम तुम्हें बताना चाहते हैं, जब से हमने ये घटिया शन्नो का खाना खाया ना, कसम से बता रहे हैं, हमको मलाइका का ना इतना याद आता है उसके हाथ के खाने का, उससे अच्छा खाना जिंदगी में किसी ने नहीं बनाया। पुष्पा जी ने भी नहीं बता रहे हैं तुमको, ये कोई खाना होता है, तुलना ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे सूरज के सामने कोई टॉर्च जला दिया हो, इतना घटिया खाना बनाया। देखो ना, खा के देखो क्या बात है। सही बोल रही है मैडम, कैसा खाना, एकदम बकवास, वाहिया, चीप थर्ड क्लास। काम मुसीबत है, झूठ बोलना पड़ता है हमको। अच्छा हुआ मलाइका को पता नहीं चला कि हम उसको सुनाने के लिए ऐसा झूठ बोल रहे थे। बट वाकई शन्नो क्या खाना बनाती है, खा के देखो तुम। तो मलाइका क्या खिला रही थी हमको, इतना गंदा खाना भी, ये देखो ना क्या टेस्ट आ रहा है, मजा ही आ गया। बहुत जबरदस्त है भी मैडम, बहुत जबरदस्त खाना है। मलाइका दीदी, तुम चुप हो के बता नहीं सकते थे? मलाइका आ गई है दोबारा। सॉरी मैडम, सॉरी, हमको पता ही नहीं चला मैडम। तुमको पता नहीं चला? अरे संतोष जी आ गए। हाँ, इतनी सी चीज आ गई तो तुम्हें फटाक से पता चल जाता है। इतना बड़ा चीज यहाँ से आके चला गया, वो तुम्हें दिखाई नहीं दिया? तो स्केचेस लाई थी रेडी। जितना जल्दी हो सके ना सारे पुलिस स्टेशन इन्फॉर्मर्स और सोर्सेस को बता दो, उनको ये फोटो भेज दो और उनके जहन में डाल दो कि ये दोनों दरिंदे हमको जल्द से जल्द चाहिए। यस मैडम। हेलो मैडम। हेलो हेलो, कहिए क्या मदद कर सकते? एक मिनट, आप दोनों से तो हम पहले मिल चुके हैं ना, शायद इसी थाने में। जी, वो आरती मेड एजेंसी वाले फ्रॉड की रिपोर्ट लिखाने कुछ दिन पहले आए थे। दरअसल हमारी मेड जब घर से भागी थी तो वो अपने पीछे अपना मोबाइल छोड़ गई थी, वो हमने आपको दिया था। हाँ हाँ हाँ, याद है। पूछो ना इनसे क्या हुआ हमारे उस कंप्लेन का, उस मोबाइल से कोई क्लू मिला उस फेक एजेंसी तक पहुँचने का? हमारी टेक्निकल एक्सपर्ट संतोष शर्मा उसका पासवर्ड क्रैक कर रही है, जैसे ही कुछ हमें पता चलेगा हम आपको इत्तला कर देंगे। इन्हें बताओ ना कि असल में इत्तेफाक से हमें उस फ्रॉड मेड की पिक्चर मिल गई है, असल में वही तो देने आए हम। तुमने बताया ना बेबी? एक मिनट, आपके पास उस मेड की फोटो है, प्लीज दिखाइए। हाँ जी मैडम, ये देखिए। क्या नाम बताया आपने इसका? बताओ ना जानू, शन्नू नाम है उसका। पुष्पा जी आप आइए ना, बैठिए और हमको बताइए कि कैसा रहा आपका सफर, कैसा रहा आपके चाचा के बेटे के, मासी के बेटे के, चाचा के लड़के का शादी। हाँ, शादी एकदम बहुत ही बढ़िया निपट गया, अच्छे से, मजा आ गया आपको? पता है तुमको संतू, वो लड़के की माँ जो थी ना, बहुत ही भाग्यशाली है, ऐसी बहू मिली उसे। सास बस 5 मिनट के लिए भी कहीं बाहर जाके आती थी ना तो ये जो बहू थी पैर छू के प्रणाम करती थी हर बार। कैसे 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 कैसे? अम्मा ऐसे झुक के। हो गया, समझ गया। अब यहाँ देखो, इतने दिनों बाद आए हैं हम, फिर भी कोई ओना पौना पेरी पौना नहीं। अब फूटे भाग अब कार हुए, बोए काटे तो बबुल कहाँ से हुए। पुष्पा जी, करिश्मा मैडम आपकी सीनियर है, वर्दी में है, ऑन ड्यूटी है, तो यहाँ पर वो आपके पैर कैसे छुएंगी? मैं मतलब इशारा भी तो कर सकती थी ना पैर छूने का। नहीं पुष्पा जी, हमें बताइए पैर छूने का इशारा कैसे होता? ऐसे? कैसे कैसे? ऐसे, हमको लगा ऐसे। ऐसे? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, अब पैर पड़ने की डरा रही है हमें। So funny. चीते चतुर्वेदी
हाँ मैडम, तुमको हम कहे थे लिखने के लिए कि ये गलती तुम दोबारा नहीं दोहराओगे, लाओ दिखाओ। दिखाओ दिखाओ। नहीं मैडम, मैडम मैं हम लिखे हैं मैडम। हाँ लिखे हैं मैडम, हम लिखे हैं, हम लिखे हैं मैडम, हम लिख दिए हैं, हम लिख दिए मैडम, सॉरी मैडम। ये हजार बार है। नहीं नहीं मैडम, वो ये बदनाम का रजिस्टर है, ये तो आपको आते हुए देख लिया चीता ने, इसलिए ये ले लिया है ना चीते। चलो अंदर, अंदर बतियाएंगे। नहीं मैडम, चलो नहीं, नहीं मैडम, आपको जो भी बतियाना है आप पब्लिक में बतियाइए। पिछला बार आप हमसे अकेले से पर्सनल में बतियाई थी, दो दिन तक हम आईसीयू में एडमिट थे, इस बार चार दिन तक रहोगे। चलो तुम अंदर चलो, मैडम, मैडम, अंदर चलो मैडम। तुम्हारी तो चीते। चल संतू अंदर चलो, और बताओ तो केस में क्या हो रहा है आजकल। चलो क्या मलाई का काम छोड़कर चली गई? अरे पुष्पा जी, पुष्पा जी, हे शिव जी, मलाई का काम छोड़कर चली गई। संतू तुम हमको पहले बता, यहाँ चल क्या रहा है थाने में? थाने में क्या चल रहा है? ऐसा कौन सा प्लान बनाए मैडम से नहीं कि मलाई का काम छोड़कर चली गई? तुमको नहीं पता संतू, मलाई का हमारे रीढ़ की हड्डी है, वो नहीं तो हमारा घर नहीं। हम क्या करेंगे, कहाँ कैसे कैसे जिएंगे? घर पर जब हमने हमारी नई मेड को देखा, हमको लगा वो तो सिर्फ दो दिन के लिए आई होगी, क्योंकि मलाई का गाँव गई है ना। कैसे बताओ तुम हमको क्या हुआ, बताओ। बताती हाँ, मेड फ्रॉड एजेंसी के बारे में तो आपने सुना ही होगा है ना? हाँ हाँ, आगे आगे आगे। हाँ अब क्योंकि मैडम सर ने प्रॉमिस किया था कि वो कैसे भी करके मलाइका को वापस ले आएंगी, और डीएसपी सर का भी ऑर्डर है, तो मैडम सर पूरी कोशिश करिए कि वो मलाइका वापस आ जाए। मतलब मलाइका वापस आएगी ना? हाँ शिव जी, मगर कुछ पता चला कौन लोग हैं सबके पीछे? हाँ पता चला ना, मेहनत की है मैंने इतनी। रुको अभी दिखाती हूँ आपको, ये देखिए आप। देखिए पुष्पा जी, ये है वो आदमी जो अपनी एजेंसी का एड देने के लिए न्यूज़पेपर ऑफिस में गया था, और ये है वो मेड जो वो कपल के घर पे काम करती थी, और वो कपल यहाँ आया था कंप्लेन फाइल करने की। अरे आइए, आपका स्वागत है। तुम कौन? मैं शिंदे, आपकी नई मेड। संतू, इसे कहते हैं बगल में छोरी और शहर में ढिंडोरी। नहीं नहीं नहीं, ढिंडोरा। हाँ वही संतू, वही। जैसे दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है ना, वैसे ही हर केस पर उसे सुलझाने वाले का नाम लिखा होता है, और इस केस पर हमारा नाम लिखा है, हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह का नाम। अब ये केस हम सुलझाएंगे। सही कहा है किसी ने, अगर हम नहीं होंगे तो पता नहीं क्या होगा हमारे महिला पुलिस थाने का। किसने कहा ये? हमने। तुम देखना संतू, ये केस आज ही सुलझ के रहेगा।